अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका। आपके अपने चैनल जिसका नाम रूल स्पीकर। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने रिक्वेस्ट है जरूर बताते रहें। आज जो वीडियो लेके वो एक्चुअली रिमोट ऑफ की कल वीडियो आई थी मेरे रिएक्शन बनाने के बाद, तो एटलीस्ट वो लेट अपलोड हुई थी, तो इसलिए मुझे अभी तक मैंने कल उस पर रिएक्शन नहीं दिया। तो आज जो वीडियो आई है वो है एक्सपोजिंग सेलिब्रिटीज फूड रेसिपी विद माय ब्रदर एंड सिस्टर, रिमोरो की वीडियो है। मुझे एक्चुअली आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन दूँ, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में रिक्वेस्ट है बताया करें, ताकि मैं उस पर रिएक्शन दे पाऊँ। पता है व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर के बाद वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो रेगुलर हो जाएंगे दोबारा, नो टेंशन। आई मेटर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, 20 मिनट से ऊपर। हाँ जी, तो देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं अब। खुद की तारीफ। मिक्सी में हाँ, तो ग्राइंड कर दो, वो पानी बन जाता है, दैट्स ओनली आलमंड मिल्क। तड़का, गाइस वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, मैं दही तड़के के बिना नहीं खाती हूं। रामजी, इन सेलिब्रिटीज को क्या लगता है कि ये अपने हाथों से कुछ भी बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि घर पे बनाओ टेस्टी होगा, लोगों को लगेगा कि सेलिब्रिटीज ने कहा टेस्टी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम आ गए हैं उनकी रेसिपी को एक्सपोज करने के लिए दाढ़ी के साथ। और डूडी, एक्सपोज की बात नहीं, उन्होंने कब कहा कि ये सब खाना टेस्टी है या नहीं? उन्होंने कहा, मैंने रील देखी थी, वो लिजेंड बताते हैं कि हम खुद बनाते हैं। यार ये वो रूटीन में खाते हैं डूडी, इसमें कुछ एक्सपोज ही नहीं है, हम सिर्फ टेस्ट करेंगे ये चीज कैसी है। तो टेस्ट करके एक्सपोज ही करना है, टेक्निकल की अच्छी है या नहीं। अगर गंदी निकली वो देखो, बंदा वीडियो में कह रहा है बड़ा अच्छा है, अगर टेस्टी ना निकली तो टेक्निकल एक्सपोज ही हो। So family, आज हम करने जा रहे हैं एक्सपोजिंग सेलिब्रिटी रेसिपीज विद माय ब्रदर एंड सिस्टर। तूने सिस्टर पे क्यों नहीं बोला? मैं बोला करो, दाढ़ी रखी है मैंने। ठीक है यार, क्यों दाढ़ी रखी हुई है मैंने? नहीं नहीं, दाढ़ी का शौक चढ़ा है, क्या करें। ये तो लक मटकावे मेरा साले जावे, स्नैप चढ़े उते सारे फिल्टर लावे लावे। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे सैलेड खजाना में। जो आज की पहली रेसिपी है वो है सैलेड ऑफ आलिया भट्ट। रेडी? देखो मैं बहुत कम कुकिंग करती हूँ, इसलिए मुझे यार थोड़ा फील लेना था। यार फील लेने के लिए देखो, इसको कुछ और मिला नहीं, इसे चार्ट पेपर घुमा के अपने मुंह पे रख लिया। मैं भी बड़ा हैवी है यार, वो शेफ पे ये प्रिंगल का वो चिप्स लग रही है, हम चिप्स निकालते हैं। अरे यार क्यों मजाक बना रहे हो? क्या आपने कभी बीटरूट सैलेड खाया है? काकी यार रोज खाई था सवेरे सवेरे यार। बीटरूट मम्मा से बीटिंग नहीं। ठीक है यार, चिप नहीं से कुछ नहीं लगा रही है। सुनो अभी आज के इंग्रेडिएंट्स है बीटरूट, ऑयल, चाट मसाला, योगर्ट, ब्लैक पेपर, हिंग, मस्टर्ड सीड्स। भूल गई यार, एक सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, जीरा बाकी यहाँ पे सब लिख दिया है। इधर लिखे हैं, इधर लिखे मैंने, इधर है। अच्छा, एडिटर को नहीं समझते मैं एमी, आप ऐसे 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 इधर लिखे हैं मैंने। वाह यार, तो हम पहले बीटरूट को पील करेंगे। मैंने इधर 2 बीटरूट ली है। यार जोड़ी आप क्या कर रहे हो? मैं इसकी वीडियो को अनलाइक कर रहा हूँ। अच्छा। बड़ा बोर कर रही है सच्ची में यार। हेल्दी चीजें यार जोड़ी, उनको वैसे ही बोरिंग लगती है। इसको बॉईल करने में लगेंगे 20 to 40 minutes। फैमिली हमारी बीटरूट हो गई है तैयार। बीटरूट तैयार हुई है, फिर क्या हो गया? बीटरूट हुई है, किसी की बीट को कोई समझे रूट तक तो बात बन जाए। गाइस कितने स्मूथ
कूद ली इस लड़की ने बीट रूट की माँ पैन की है। जब मैम ने बीट रूट को बॉइल करते हो वो एकदम सॉफ्ट बन जाता है, चाहे आप अपनी उंगलियों से भी इसको चॉप कर सकते हो। कर कर देखते हैं। ए नहीं, देखो रेडी। अरे नहीं जी, इट्स सो अनहाइजीनिक। जली ना तेरी भी जली ना। गरम तवे में उंगली थी। तो फैमिली हमने इसको बॉइल करके चॉप कर लिया है और अभी हम इसको डालेंगे एक बोल में। अब हम इसमें डालेंगे दही। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। डूडी अगर गंदा बना ना देखो ये। ओ आलिया। अभी हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर। सो फैमिली अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका तड़का। हमें चाहिए जीरा, राई, थोड़ी सी हिंग। फैमिली बनाओ, पता नहीं हम क्या रहे हैं पर आलिया भट्ट ने तो यही किया था। डूडी खिलाओ यार, आगे मैंने भी करना है। कड़ी पत्ता। ओ यार कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। फैमिली अब हम इसमें डाल देंगे ये तड़का। So guys, आलिया भट्ट का फेवरेट बीटरूट सैलेड हो गया है रेडी। कौन इसको पहले खाएगा? रिक्शा। हमें डर लगता है। The color is very nice, but the smell is not nice. सही हो ना? नहीं ठीक है। दिखाओ। भगवान प्लीज मेरे को जिंदा भेजना यहाँ से। लास्ट में तड़के का टेस्ट ठीक है। ऐसे लग रहा है मैं आलू की सब्जी खा रही हूँ। कसम से आलिया, हमने जो तुमने सैलड दिखाया था ना वो बना लिया। खुद की तारीफ। तो सल्लू भाई ने बनाया है अचार, वो भी प्याज का, वो भी घर में। एज यू नो आई एम अ लवर ऑफ अनियंस। गाइस अगर इस वीडियो को मिलते हैं 1 लाख लाइक्स तो मैं ये पूरी बियर्ड नहीं काटूंगा फॉर 1 मंथ। क्यों? No cotton November. Okay, so guys, आपको क्या करना है? आपको प्याज काटना है और जिसने आए तो प्याज ही ना काटो, वो काटो। हाँ, काटो, काटो। मैं कह रहा हूँ ऐसे काटने की जरूरत नहीं, ऐसे करें। यार ये बड़ा काम है यार गाइस। क्या काटे हैं मैम, ये देखना। कोई नहीं, छिलका नहीं उतरा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे आपने प्याज काटने हैं और जैसे ही आपके प्याज कट जाएंगे फिर आपने बाकी जो रेसिपी है वो है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एक छोटा प्याज लें और फिर लाल मिर्च लें और फिर कुंजी लें और सौंफ लें। मैं याद नहीं करके आया ना। पहले हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट का तीखा लाल, कश्मीरी लाल, तेरी लाल, मेरी लाल, सबकी लाल, लाल लाल। और इसमें डालनी है आपको सौंफ और अब आपको डालनी है इसमें कुंजी। ओके बहन जी, एक टी स्पून जितनी डालनी। हो गया, हो गया, हो गया, बहुत ज्यादा हो गई है। नूडी स्वाद अनुसार नहीं, औकात अनुसार नहीं। हेलो हेलो, मेरी औकात ज्यादा है यार। गाइस अब सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बचा है जो है पॉपाई की बंदी का तेल, ऑलिव ऑयल। ओह माय गॉड, वाओ, ऑलिव ऑयल, वाओ। और इसमें बिल्कुल हमने इसके अनुसार, थैंक यू बेटा, ये मेरी असिस्टेंट ने भी देखे है वो रील। थैंक यू, मुझे याद कराती रहना। वाओ,
अभी मुझे अंदर से आवाज आई है, एक और चम्मच डालना चाहिए। आवाज अंदर से नहीं, साइड से आई है। थैंक यू। और आपको करना है इसको व्हिस्क व्हिस्क। जैसे ही आपने सल्लू भाई का बना लिया है ये वाला अचार, अब हम टेस्ट करेंगे और अगर ये अपने आप को बचा पाएगा तो टेस्ट करेंगे। मैं नहीं ज्यादा प्याज खाती है, लड़कियां नहीं खाती इतने प्याज, नॉट गुड फॉर मी। तो भैया मैं टेस्ट करता हूँ। सल्लू भाई, सल्लू भाई के लिए, सल्लू भाई इनको टाइगर 2.5 में ले लेना प्लीज। 3 आ रही है, जो नहीं उन्होंने बनाई कहते हैं इसको 2.5 में ले लेना तेरी। भाई ने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। सलमान खान के लिए जोरदार तालियां। आई हैव टू मोर ब्रिस स्मेल आ रही है। नंबर 3, टोटल 6 बनेंगे। आई थिंक जो मेरी डिश होने वाली है ये द वन एंड ओनली द फरा खान स्पेशल भिंडी टेम्पुरा। टेक दैट करारा भिंडी टेम्पुरा बट विद आटा। गाइस ये फारुख खान ये तो डायरेक्टर है बहुत बड़ी, जिसने हैप्पी न्यू ईयर बनाई थी, जिसने मैं हूं ना बनाई है। सबसे पहले ठीक है, वेल मैम, सबसे पहले हमें चाहिए भिंडी। ओके, भिंडी को हम पहले चॉप कर, चॉप नहीं करेंगे मतलब ऊपर का हिस्सा इनकी टिंड काट देंगे। और इनका टिंड काट देंगे यानी सर काट। बच्चों वो सिर काट ले, सिर काट दो। हमने भिंडी को खोल देनी पूरी। ओके, फिर अगर आपने ये नहीं बचपन में किया तो क्या किया? भिंडी में ऑटोमेटिक चिपकना होता है गाइस, ये हम मिलेनियल से जानते हैं। मिलेनियल की क्या? हेलो भाई, इस भिंडी को हम इस बाउल में डाल देंगे। देखे देखे देखे, अब हम फैमिली इसके अंदर डालना है आशीर्वाद आटा। जी हाँ, और पीछे तेल गरम हो रहा है इसलिए हमने एग्जॉस्ट चला रखा है, इसलिए जोर से बात कर रहे हैं, नहीं तो साइलेंस बच जाएंगे। यार एक मुझे डाउट है, अगर इसको पकौड़े बनाने तो आटा कौन डालता है, बेसन डालते हैं? दीक्षा, इट्स अबाउट टेम्पुरा मैन। अब फैमिली आटा डालने के बाद हम डालेंगे बीच में एवरेस्ट की मिर्ची। सो फैमिली इस तरीके से आपने इसके बीच में आटा, लाल मिर्च और नमक, और फोरा जी ने इसके बाद बोला था इसको मिक्स करना है प्रॉपरली। पहली बार संजय ने किसी को जी कहा है। कसम से। सो फैमिली जैसे कि आपको फिर लेना है तेल जो एकदम प्रॉपर गरम हो, मेक श्योर ठंडे तेल में नहीं डालना है, जब एकदम हीट आने लग जाए। भिंडी के आटे वाले पकौड़े वैसे तो बेसन के होते हैं पर संजय आटे के बना रहा, तो इसलिए क्योंकि फारा जी डिफरेंट है। फारा जी हेल्दी है, फारा जी कॉल पे है। फारा जी किसके साथ कॉल पे है? मैं हूँ ना पार्ट टू, मेरे फिल्म का नाम उन्होंने रखना है तू था ना। देख लो 30 बार खान का पार्ट टू ना हो। और फैमिली जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी होगी है टेम्पुरा भिंडी रेडी। फैमिली इसके ऊपर टचअप्स करेंगे चाट मसाले। क्या खुशबू आ रही है, मेरे को आई नहीं रही खुशबू, मुझे तो खुद नहीं आ रही। एंड अब हम इसकी बाइट लेंगे। ऑफ कोर्स पहले मैं ही बाइट लेना चाहूंगा बिकॉज मुझे मेरे पे कुकिंग स्किल्स पे भरोसा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। सो ओ हेलो, हमने भी टेस्ट कर लिया है। ओह माय गॉड, ओ भाई साहब, आपके हाथ का है, दिल करता है उनको चूम लूं। मैं हूं नटू। और खाने का मन कर गया मेरा। बनाए और यार ऐसे मेरे को तो मुंह में बैठ गई है भिंडी, बहुत टेस्टी। ढूंढने का नाम घर पे ये वाली भिंडी बना दो, है ना? ये मेरी अपना इनोवेशन है ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। और हम कोई एक्सपोज नहीं कर रहे, हम ट्राई करने वाले हैं और क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये लाइक उनको क्या चीज पसंद है यार, सब जानना चाहते हैं। इन दी एंड जो मैंने रील देखी है उसके ऊपर 2 मिलियन प्लस लाइक्स है। With the whole heart and whole love, we gonna be trying the recipe of Shri नरेंद्र मोदी जी। चलो ट्राई करते हैं। तो क्या है? सो फैमिली हम लोग को चाहिए
ये ड्रम स्टिक्स, इसको हम लोगों ने चॉप कर लेना इतने इतने पीसेस, बिकॉज काफी हार्ड होते हैं कट करने के लिए। सो फैमिली फाइनली हम लोगों के ड्रम स्टिक्स बॉइल हो चुके हैं, अभी हम इसको करेंगे मैश। फाइनली हमारा जूस ये तैयार हो चुका है। तो फैमिली अभी हम लोग इसके बीच में डालेंगे तिल। ओह तिल, मेरे पास इस टाइम पे सिर्फ काले तिल थे तो मैंने काले डाल दिए। हल्दी, हिंग, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, मुझे इसका मिक्स मिला था तो मैं वो यूज कर रही हूँ। लाल मिर्च। जी हाँ इच्छा, तू इतना नमक डाल दी है, तुझे नहीं लगता ये नमक चढ़ सकता है बंदे के मुँह पे? मेरे को ना बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा। चल ठीक है मैं बना। टेंशन मत लो, बस तीखा बनेगा। भूख लगी, फटाफट बना। ओके ओके ओके। जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट। आमचूर। आमचूर। ओह माय गॉड। बस अभी हमने इसको मिक्स करना है। ओके। चिट्टा आशीर्वाद आटा। फैमिली हमने तवे पे रोटी डाल दी है एंड यू नो मुझे अंदर से फील आ रही है पूरी पूरी कि यार ये ना बहुत अच्छी टेस्ट करने वाली है, बिकॉज खुशबू बहुत अच्छी है। I'm so excited. पहले आप ट्राई करना चाहोगे, मैं करूं? पहले दोनों एक काम कर, दोनों साथ में खाते हैं। Very unique taste. Family, this is really good. यार रुको मैं अपने लिए रोटी बनाई है, लेके आती हूँ। मोदी जी, I must say I'm really impressed with your recipe. Yeah, bro. आज exposing series में कोई भी चीज बेकार नहीं बनी, सब कमाल बनी है। Too good. वो पानी बन जाता है, that's only almond milk. Apparently the ones that you buy, उसमें it doesn't, it tastes weird and synthetic to me. So that's why I don't like to have anything which tastes synthetic or is synthetic. So I try to like keep things as घरेलू as possible. So, Anushka Kumar. अनुष्का शर्मा, बिकॉज ऑफ दैट अनुष्का शर्मा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका नहीं आपके हस्बैंड का, पर ठीक है। यार एक सीरीज उनका क्यों नहीं है भाई, उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी, जुड़ी है बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, ऑल द मैंने मूवी देखी तो नहीं। हैरी मेट से जल्दी देखी तूने? कौन सा वाला आपने आपने देखा? मार्केट में जो कोकोनट मिल्क होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, राइट? आमंड याद करके आया करो तुम, आमंड है वो। सो आपने आपको पता है कि मार्केट में आमंड मिल्क बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। हाँ, सो जो अनुष्का जी है उन्होंने अपनी रेसिपी बताई है कि आमंड का मिल्क घर पे कैसे बना सकते हैं। आमंड को ऐसे पूरा डाल देंगे बीच में, और नेक्स्ट स्टेप हम इसमें पानी भरेंगे। जब क्या कहते हैं इसको फ्रिज में रख दिया है। हाँ। अब हम फ्रिज को कर देंगे क्लोज। ओके। नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग। तेरा भी सुबह का ही है। गाइस अब जो मैं जिस सेलिब्रिटी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ उसका मन नहीं करता क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। कौन? कौन? वो है समंथा। ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। समंथा है और उसका नाम अंटा मामा थोड़ा ना मामा। सो गाइस बेसिकली हम आज बनाने वाले हैं फिल्टर कॉफी चिया पुडिंग। ओह वाओ, आपको चिया सीड डालने, देखे देखे आपने कभी डालते देखे नहीं चिया सीड्स? ऐसे आपको लेना है कोकोनट मिल्क, फिर आपने लेनी है फिल्टर कॉफी, हमें नहीं मिली हमने ये ले ली इंस्टेंट कॉफी। और जब आपने ये बना दिया अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगे ज्यादा पड़ गया तो दोबारा डाल दो बीच में, कोई बात नहीं है। ज्यादा ही पड़ गया एक्चुअली। इसको बना के सम गाइस समंथा जी को डीएम करें। गाइस ये वाली क्लिप भेजना, मैं मैच्योरिटी से करता हूं। सो टुडे वी आर ट्राइंग, सो बताओ जैसे ही आपने विस्क कर लिया अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है फॉर ओवरनाइट।
जा रहे हैं आमंड मिल्क, जिस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे मुट्ठी भर लेंगे प्रॉपर। यार इसको छीलना नहीं था। यार अनुष्का जी ने कहा है कि बिना छीले भी डाल सकते हैं। अनुष्का जी ये आगे आलसी है। तो मैं सबसे पहले हम आमंड्स को ब्लेंड कर लेंगे प्रॉपरली। भाई ये ऑन रखा है पागल है तू? मैं क्यों ऑन करूं? इस तरीके से हमारे आमंड्स हो चुके हैं ब्लेंड। ओके, अब हम बीच में पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि बीच में दूर का कलर आने लग चुका है। एंड फैमिली ये हमारा बन चुका है आमंड मिल्क बाय अनुष्का शर्मा। इसलिए हम बादाम खा रहे हैं इसके बीच में। अभी भी वो हल्का हल्का बादाम के छोटे छोटे पीसेस है, तो इसलिए हम बादाम भी साथ में खा रहे हैं, पता दूध के साथ। रूडी यू शुड ट्राई दिस। यू शुड ट्राई दिस। वंटा मामा की पुडिंग बन गई है। हटो संजय, लुक एट द टेक्सचर ब्रो। क्या लग रही है यार। It's damn good. मैं भैया को बोल रही थी कॉफी मत डालो ज्यादा। आंसू निकाल दिया इतना गंदा। एक्सपोज इनको नहीं करना चाहता था, ये हो गए। इतनी गलती थी यार, पूरी मोरनी की ऐसी तैसी कर दी। ओके, ऐसी की तैसी का मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर कंफर्म है ये लोगों को क्या कहते हैं, ये वो क्या कहते हैं, होश बिल्कुल आ जाएगी इसको ये पुडिंग खाने से। एक तो हमारे घर पे ना क्या करूँ मैं इन चिड़ियों का। ओके, उसके अलावा बात करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्चुअली ये नया कॉन्सेप्ट आया है इनका, जो कि मुझे अच्छा लगा। जैसे कि हम लोगों ने इनको देखा है क्या कहते हैं उसको, लाइफ हैक्स करते हुए अलग अलग टाइप के, कहते हैं लाइफ हैक्स के लिए अलग टाइप की वीडियोस बनाते हुए, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो फारा खान वाली बिडनी, वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए वो क्या नाम उसका, वो बीटरूट आलिया भट्ट वाला, तो बीटरूट तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं खा सकता। पता नहीं उसकी टेस्ट अलग होता है, स्मेल पता नहीं कैसी होती है। और दूसरी बात, वो जो सलमान खान वाला अचार था यार, प्याज वो कच्चा था, अलग अचार जो होता है उसको पकना पड़ता है, एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो मुझे कच्चा लगा। अगर उसको टाइम दिया जाता तो आई होप कि वो और अच्छा होता। उसके अलावा वीडियो अच्छी थी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसके और भी पार्ट आएँ, और भी रेसिपीज आएँ। जैसे कि आप सबको पता है कि क्या नाम है उनका, टाइगर श्रॉफ के पापा, मुझे उनका नाम भूल गया, टाइगर श्रॉफ के पापा श्रॉफ साहब, वो भी एक भिंडी बताते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। फारा अली खान के, फारा के साथ बैठे भी हुए थे, तो उनकी भी कुछ रेसिपीज है। अनिल कपूर की अच्छी रेसिपीज होती हैं, वो भी कुछ बताता है। तो कन्फर्म नहीं है, अगर आप ये बनाएंगे तो देखेंगे बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन वीडियो ओके थी, अच्छा थी, मज़े वाली थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई इनको, तीन तीन, अगर तीन तीन बना लेते तो अच्छा था, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसलिए मैं आप सबको मिलूंगा अपनी अगली वीडियोस में। दुआ में जरूर याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर।